ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी डाउन चल रही है और उसी समय टाटा मोटर्स अपनी प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज को लॉन्च करने जा रहा है। अगर आप उसकी टाटा हैरियर दिख लीजिए या फिर अभी लॉन्च हुई टाटा हैरियर का ब्लैक एडिशन या फिर नेक्सॉन दिख लीजिए, हर कोई सेगमेंट में सबसे बेस्ट सेलिंग कार उनकी रहती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा अल्ट्रोज की पूरी जानकारी, उसके साथ जो कम्पीट करेगी मतलब मारुति सुजुकी बलेनो या फिर टोयोटा ग्लांजा जैसी कार, उसकी इंजन स्पेसिफिकेशन की भी कंपैरिजन करेंगे और डायमेंशन भी की कंपैरिजन करेंगे। कुछ ही दिनों के बाद B2 सेगमेंट में लॉन्च हो जाएगी ये कार और उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रखी गई है 5.5 लाख से स्टार्ट होकर 8.5 लाख तक। और टाटा अल्ट्रोज ये फर्स्ट कार है जो कि अल्फा प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। अल्फा प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब एजिल लाइट फ्लेक्सिबल एडवांस आर्किटेक्चर, जिससे कार का वेट कम हो जाता है, बिल्ड क्वालिटी सबसे अच्छी हो जाती है, सेफ्टी लेवल काफ़ी एनहांस हो जाता है। और टाटा मोटर्स भी यही चाहता होगा कि टाटा नेक्सॉन को जितनी सफलता मिली उससे दुगनी सफलता टाटा अल्ट्रोज को मिले, इसीलिए वो छोटे छोटे टीजर्स आपके साथ देखने के लिए करते रहते हैं। अब बात करते हैं जब ये कार लॉन्च हो जाएगी टाटा अल्ट्रोज इंडियन मार्केट में, तब डायरेक्टली राइवल करेगी मारुति सुजुकी बलेनो, इलाइट i20, वॉक्सवैगन पोलो और टोयोटा ग्लांजा जैसी कार से। अब बात करते हैं इसमें इंजन ऑप्शन कितने मिलेंगे। 3 इंजन ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट होगा टर्बोचार्ज, सेकेंड नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल एंड थर्ड आपको डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जो बेस वेरिएंट होगा यानी कि बेस मॉडल में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल यूनिट मिलेगा जो कि प्रोड्यूस करेगा 84 bhp एंड 140 Nm ऑफ टॉर्क। उसकी माइलेज कंपनी क्लेम करती है 19 km/h की। और सेकेंड जो मैंने बताया अभी उसका इंजन की बात करूँ 1.2 लीटर टर्बोचार्ज का, उसमें आपको 100 bhp पावर जनरेट करेगा एंड 140 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। उसमें भी आपको 19-20 km/h की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। रही बात डीजल इंजन की, तो उसमें आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज यूनिट मिलेगा जिसमें आपको 90 bhp की मैक्सिमम पावर मिलेगा और ये कार आपको 5 स्पीड और 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिल जाएगा। टाटा अल्ट्रोज का नाम एक अल्बाट्रोस बर्ड के नाम से इंस्पायर हुआ है और ये कार उसकी स्पीड, एजिलिटी और एफिशिएंसी के लिए जानी जाएगी। और टाटा क्लेम करता है कि इस अल्फा प्लेटफॉर्म पे बने के कारण उसमें आपको 5-स्टार क्रैश टेस्ट भी मिल जाएगा। वहीं बात करें उस स्टैंडर्ड फीचर्स की, तो उसमें आपको एक्सटीरियर में मिल जाएगा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, स्टाइलिश बॉडी कंटोर्स, हेडलाइट विद डे टाइम रनिंग लाइट, ORVMs विद टर्न इंडिकेटर, फॉग लाइट, डायमंड कट एलॉय व्हील्स एंड ब्लैक कलर BNC पिलर पे मिल जाएगा। वहीं उसकी इंटीरियर फीचर्स की बात करूँ तो उसमें आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन टाइम और फ्यूल कैपेसिटी जैसे फीचर्स उसमें दिख जाएंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन डिस्प्ले एंड सराउंड साउंड सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। वहीं उसकी बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो उसमें आपको मिलेगा ABS प्लस EBD, सेंट्रल लॉकिंग, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, पार्क असिस्ट, लो लिमिटर प्लस प्री टेंशनर ओनली, फ्रंट एयरबैग आपको ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों को मिलेगी, उसमें आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो ये तो दोस्तों हुई थी उसमें मिलने वाले स्टैंडर्ड फीचर्स, मतलब कि अगर आप उसका बेस वेरिएंट खरीदोगे या फिर टॉप एंड वेरिएंट, आपको ये सब फीचर्स तो मिलने ही मिलने हैं। अब हम कंपैरिजन करेंगे टाटा अल्ट्रोज की हुंडई इलाइट i20 के साथ और मारुति सुजुकी बलेनो के साथ। आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो टाटा अल्ट्रोज की लेंथ मिलेगी 3988 mm, i20 से 3 mm ज़्यादा और मारुति सुजुकी बलेनो से 7 mm कम। अगर विड्थ की बात करूँ तो टाटा अल्ट्रोज की मिल जाएगी 1754 mm, हुंडई i20 से 20 mm ज़्यादा और मारुति सुजुकी बलेनो से 9 mm ज़्यादा। वहीं टाटा अल्ट्रोज की हाइट मिलती है 1505 mm, मतलब i20 से जितनी आपको मिलेगी और मारुति सुजुकी बलेनो से 5 mm कम मिलेगी। व्हीलबेस टाटा अल्ट्रोज का मिलेगा 2501 mm, मतलब हुंडई इलाइट i20 से 69 mm कम और मारुति सुजुकी बलेनो से 19 mm कम मिलेगा। अब हम टाटा अल्ट्रोज की पेट्रोल इंजन की कंपैरिजन करेंगे हुंडई i20 के साथ और मारुति सुजुकी बलेनो के साथ। तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे कि टाटा अल्ट्रोज को इंजन पावर मिलता है 1199 cc, हालांकि i20 से 2 cc ज़्यादा और बलेनो से भी 2 cc ज़्यादा। वहीं मैक्सिमम टाटा अल्ट्रोज में मिलता है मैक्सिमम पावर 110 bhp, मतलब i20 से 29 bhp ज़्यादा और बलेनो से 27 bhp ज़्यादा। वहीं मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ तो टाटा अल्ट्रोज में मिल जाता है 170 Nm का टॉर्क और इसमें आपको i20 से 50
एनएम का ज्यादा और बलेनो में 55 एनएम का ज्यादा टॉर्क मिल जाता है। अब हम कंपैरिजन करेंगे टाटा अल्ट्रोस की डीजल इंजन की हुंडई इलाइट i20 और मारुति सुजुकी बलेनो के साथ। तो अल्ट्रोस में आपको डीजल इंजन में मिलता है पावर 1497 सीसी का, हालांकि इलाइट i20 से 101 सीसी का ज्यादा और बलेनो से आपको 249 सीसी का ज्यादा मिलेगा। वहीं उसी तरह मैक्सिमम पावर आपको अल्ट्रोस जनरेट करता है 110 bhp, हालांकि i20 से 22 bhp ज्यादा और बलेनो से 36 bhp ज्यादा प्रोड्यूस करता है। वहीं मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो टाटा अल्ट्रोस आपको मिलेगा 260 nm, मतलब i20 से 41 nm ज्यादा और बलेनो से 70 nm ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई थी उसकी डायमेंशन कंपैरिजन की, उसकी पेट्रोल और डीजल इंजन कंपैरिजन की। अब बात करते हैं उसकी परफॉर्मेंस एंड हैंडलिंग की। तो उसकी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग की बात करूं तो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि उसमें आपको एरोडायनेमिक डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको उसमें इको सिटी और स्पॉट मोड मिल जाते हैं। वहीं उसी तरह फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिल जाएगा और रियर में आपको सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट ब्लेड विथ रोड एंड कॉइल स्प्रिंग मिल जाएगी। वहीं फ्रंट ब्रेक में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है। अब बात करते हैं इस टाटा अल्ट्रोस के पॉजिटिव पॉइंट्स, मतलब किन किन ऐसी बातें हैं जो आपको टाटा अल्ट्रोस को एक पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जाती है। तो सबसे फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट, ट्रेंडी डिज़ाइन। ट्रेंडी डिज़ाइन इस सेगमेंट में सबसे अट्रैक्टिव एंड प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि उसके सेगमेंट में आने वाली दूसरी राइवल इतनी ज़्यादा स्पेसियस और इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती तो ये गलत नहीं होगा। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट, बेस्ट इन सेगमेंट इंटीरियर। आपको इसमें सबसे ज़्यादा प्रीमियम लुक देने वाला फीचर्स मिल जाएगा, जैसे कि आपको इसमें एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है और उसके साथ आपको 7-inch टच स्क्रीन और बहुत सारे फीचर्स भी ऐसे मिल जाते हैं, जैसे कि इको सिटी हो गया, स्पॉट मोड हो गया और उसके साथ आपको 7.3-inch की इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाती है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, ऑटोमेटिक ऑप्शन। दोस्तों इसमें आपको पेट्रोल और डीजल के साथ ऑटोमेटिक ऑप्शन भी दी जाता है। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म। अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको कार का सेफ्टी लेवल काफ़ी एनहांस किया जाता है, क्वालिटी लेवल काफ़ी अच्छा होता है, ड्राइविंग प्लेजर आपको इस सेगमेंट में डिसेंट अमाउंट में मिल जाएगा। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, मल्टीपल इंजन्स। उसमें आपको टर्बोचार्ज एंड नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन अलॉन्ग विद डीजल इंजन भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये तो बातें हुई थी इन टाटा अल्ट्रोस की पॉजिटिव पॉइंट की। अब हम बातें करते हैं टाटा अल्ट्रोस की नेगेटिव पॉइंट। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, लेस रिफाइन। अल्ट्रोस में 3 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन इसी सेगमेंट में आने वाली कार से कम रिफाइन होगा। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट, डायमेंशनल। इसी सेगमेंट में टाटा अल्ट्रोस पेट्रोल इंजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसमें आपको डायमेंशन के बेस पे दिखा जाए तो बलेनो से कम हाइट मिलती है, व्हीलबेस तो हुंडई इलाइट i20 और बलेनो से भी कम है। फिर भी मैं आपके साथ डीप में जाके बात करूं तो i20 से 69 mm कम और बलेनो से 19 mm का कम मिलता है। तो दोस्तों ये सारी बातें हुई थी टाटा अल्ट्रोस की पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमने डायमेंशन कंपैरिजन की और उसका पेट्रोल और उसका इंजन का भी कंपैरिजन किया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपके लिए जब भी ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो लेके आओ सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।